फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं झटपट बनने वाला ब्रेड रोल। इसके लिए हमें बहुत ही कम सामग्रियों की ज़रूरत है और ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा। बच्चों को भूख लगे तो तुरंत बना के खिलाइए जल्दी से। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सोया क्रंच, सोया का चूरा जो होता है उसको रख लीजिए घर में, उसके पानी में भिंगा के उसे फुला दीजिए। रखिए फुल जाए अच्छी तरह से। देखिए सोया क्रंच है, इसको हम फुला दिए थे। देखिए ये कच्चा है और इसको फुलाने के बाद हम इसे देखिए हल्का सा प्याज टमाटर सूखे मसाले डाल के फ्राई कर दिए और उसके बाद उसे हम ब्रेड में भर के ब्रेड रोल बनाएंगे। बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही जल्दी बनने वाला है। जब भी शाम को बच्चों को या सुबह ब्रेकफास्ट में भूख लगे तो बच्चों को खिलाए। देखिए फिर हम क्या करेंगे, ये ब्रेड के हम ऊपर के जो किनारे होते हैं उसको हम निकाल देंगे। सारे किनारों को हम निकाल के रख देंगे। उसके बाद देखिए हम ब्रेड को पानी में भिगाएंगे। इस तरह से पानी में भिगा के अब ब्रेड के सारे पानी को हम फिर निकाल देंगे, जिससे ब्रेड जो हमारा ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। उसमें हम देखिए इस तरह से निकालने पानी एकदम निकल जाए, पानी उसमें नहीं रहना चाहिए। ठीक है, देखिए इस तरह से हम पानी को निकाल दिए हैं और उसमें जो हम सोयाबीन के चूरे को जो हम फ्राई किए थे उसे हम इस तरह से उसमें डाल के भरेंगे। ठीक है, इस तरह उसको रख देंगे उसमें और उसको डाल के इस तरह उसको भर देंगे उसमें। इस तरह से हम स्टफिंग कर देंगे और उसके अच्छी तरह से हम इस तरह से उसके गोल आकार में उसको जिस भी आकार में शेप करना चाहे उसको हो जाएगा। वो कटलेट की तरह भी बन जाएगा या ऐसे गोल आकार में उसको हम बना देंगे और उसके बाद हम उसे तल लेंगे। इस तरह से हम उसको अच्छी तरह से बनाएंगे ताकि वो खुलने ना पाए। देखिए मेरा कितना अच्छा सा ये रोल बन गया है। रोल बन के हमारा तैयार है, अब इसको हम तलेंगे। देखिए कढ़ाई हमारा गर्म है, इधर तेल भी गर्म हो गया है। अब उसमें हम ब्रेड रोल को डालेंगे और तलेंगे इसको। तेल को अच्छी तरह से गर्म करना चाहिए और इसको हम तेज आंच में ही इसको तलेंगे। जैसे हम इसको डाल देंगे, जितना भी ब्रेड रोल बनाना हो इस तरह से डाल के और उसे हम तलेंगे अच्छी तरह से। जब एक साइड में इसको बार बार नहीं पलटना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। इसे जब एक साइड में ब्राउन हो जाएगा तो उसको हम पलट के दूसरी साइड में भी फिर तलेंगे। देखिए ये हमारा ब्रेड रोल तल रहा है। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनने वाला है। इसे बनाने में बहुत ही कम सामान लगेंगे। जो ही घर में ब्रेड भी घर में रखे रहते हैं, सोयाबीन भी रहता है, जल्दी से आप उसका चूरा बना के और उसे हल्का सा फ्राई करके भिंगो के फ्राई निकाल दीजिए पानी और भिंगो लीजिए उसको। भिंगो के उसके पानी को निकाल के और उसको फ्राई कर लीजिए। प्याज टमाटर जो भी मसाले आपको पसंद हो उसको डाल के हल्का सा फ्राई करके आप ब्रेड में भर के उसके रोल बना लीजिए। रोल बनाते समय ये ध्यान रखना है कि उसके पानी जो है अच्छी तरह से निकल जाए ब्रेड के, तब उसे हम भर के उसको हम रोल करेंगे। इस तरह से हमारा ब्रेड जो है बहुत अच्छी तरह से फ्राई होगा और एकदम कुरकुरा बनेगा। अंदर से ये सॉफ्ट रहेगा और ऊपर से कुरकुरा रहेगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बरसात के मौसम में चाय के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, इसलिए इसे ज़रूर बनाइएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करिए। कि अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को लाइक करिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह से हम इसको तलेंगे ताकि एकदम अच्छा सा ब्राउन कलर इसका आ जाए और ऊपर से एकदम क्रिस्पी हो जाए, तब जाके इसे हम निकालेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर इसका आ रहा है। इसको तेज के आंच पे ही हम इसको हम तलेंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा ये ब्रेड रोल बन के तैयार हो गया है। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है इसका। इसको हम इसे ज़रा से पलट के चारों तरफ से इसको हम अच्छी तरह से तल लेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए अच्छी तरह से। देखिए आलू के तो ब्रेड रोल बहुत बनाए होंगे आप लोग, लेकिन एक बार इस सोयाबीन के चूरे का ब्रेड रोल बना के देखिए, ये बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। खूब क्रिस्पी इसको तल लेंगे खूब अच्छी तरह से।
पलट के हम इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से तलेंगे। अगर ये अच्छी तरह से नहीं तला होगा तो खाने में टेस्टी नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्रिस्पी नहीं होगा। कितना अच्छा सा कलर आ रहा है देखिए। ये सोया ब्रेड रोल, सोया के चूरे का ब्रेड रोल ज़रूर बनाइए आप लोग, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही हेल्दी है ये। सोयाबीन में तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, इसलिए बच्चों को बहुत ही हेल्दी है। ज़रूर बच्चों को बनाकर खिलाइए और आप भी खाइए और सबको खिलाइए। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए एक बार इस रेसिपी को। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। देखिए इस तरह से हम इसको खूब थोड़ी देर तक इसको हम तलेंगे ताकि ये अच्छी तरह से तल जाए और क्रिस्पी हो जाए। थोड़ा इसको तलने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए थोड़ी अगर हम जल्दी इसको निकाल देंगे तो अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। देखिए अब तल बन के तैयार हो गया मेरा ब्रेड रोल। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा ये बना है। हाँ, और गैस को ऑफ करेंगे और इसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। इसे हम खट्टी चटनी या मीठी चटनी इसके साथ खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगा। देखिए मेरी रेसिपी बनके तैयार है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।